और इस बीच एक बड़ी खबर सामने, पिछले 60 मिनट से योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच बातचीत जारी। ये बातचीत गोरखपुर में हो रही है, दोनों के बीच मीटिंग पिछले 60 मिनट से हो रही है। माधव धाम में योगी और भागवत की अहम बैठक। आपको याद दिला दें कि 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ से पहले मोहन भागवत से योगी आदित्यनाथ मिले और 3 दिनों के दौरे पर है मोहन भागवत। उत्तर प्रदेश के नतीजे आने के बाद ये पहली मुलाकात है मोहन भागवत की, और 3 दिनों के दौरे पर मोहन भागवत हैं गोरखपुर की, और ये पहली मुलाकात मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच में। हमारे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या मायने हैं इस मुलाकात के, शपथ ग्रहण से ठीक पहले और नतीजों के ठीक बाद? देखिए, ये चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ की पहली मुलाकात संघ प्रमुख से हो रही है। योगी आदित्यनाथ जो संघ मुख्यालय है गोरखपुर में माधव धाम, वहाँ मोहन भागवत से मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि 3 दिन के दौरे पर है, 22 मार्च तक उन्हें यहाँ रहना है। तो शपथ ग्रहण हालांकि 25 मार्च को प्रस्तावित है, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक तो उन्हें न्योता देंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का, और जो चुनाव की जीत के पीछे जो कारण रहे हैं, हार की समीक्षा भी चल रही है जिन सीटों पर वो हारे हैं, क्योंकि बीजेपी स्ट्रेटेजी से काम करती है, लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर खासा गौर किया जाएगा जो सीटें हारे हैं, तो वो रिपोर्ट पेश करेंगे, और साथ ही सरकार की रूपरेखा क्या रहेगी, क्योंकि अभी जो शपथ ग्रहण में समय लग रहा है उसके पीछे बड़ी वजह ये है कि कैबिनेट के ज्यादातर नाम तय नहीं हो पाए हैं। जो पार्टी आलाकमान है उसकी इच्छा क्या है, योगी आदित्यनाथ की इच्छा क्या है, वो अभी एक लय में नहीं आ पाई है, जिसके चलते शपथ ग्रहण में देरी हुई है। 25 तारीख तक का वक्त है, बैठकों के जरिए मंथन के जरिए उसे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो जो दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही है वो इसी बात पर चल रही है कि सरकार का स्ट्रक्चर कैसा हो, सरकार में कौन कौन लोग शामिल हो, आगे किस रणनीति के तहत किस एजेंडे पर सरकार को काम करना है। तो ये सारे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ चर्चा कर रहे हैं। मनीष, मुझे बताइए कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा जा रहा है कि 2024 में चुनावी जीत को लेकर के एक खाका खींचा जाएगा, उस खाके का अहम अंग होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या रहता है, क्या इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है या हो रही है? देखिए, बिल्कुल ये प्रमुख एजेंडा है आज की मुलाकात का, क्योंकि जो शपथ ग्रहण में देरी हुई है उसके पीछे बड़ी वजह ये है कि अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कौन कौन से मंत्री शपथ लेंगे, केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका क्या होगी, स्वतंत्र देव सिंह क्या संगठन से सरकार में शामिल होंगे, ये कई सारे मसले हैं जिन पर अभी मंथन चल रहा है, जिन पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो वही सारे जो बिंदु हैं जिन पर मंथन चल रहा है, जो पार्टी आलाकमान और योगी आदित्यनाथ की इच्छा है, उन सभी मसलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत के साथ चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ से एक उम्मीद है कि एक तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी, और जो 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे वो कौन कौन से चेहरे होंगे उस पर भी अंतिम मोहर संघ प्रमुख की लग जाएगी। शुक्रिया मनीष यादव आपका हम तो जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।